सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज हम जो रेसिपी बताएंगे वो पूरियों के साथ जो आलू की भुजिया और जो कचौरियों के साथ आलू की भुजिया आप बाजार से खाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम ये बनाएंगे। इसका जायका भी ज़बरदस्त होगा और आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। सबसे पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद करें तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इससे आपको मेरी अपडेटेड रेसिपीज मिलती रहेंगी। अब हम देखते हैं इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या इस्तेमाल होते हैं। ये हलवा पूरी के साथ जो आलू की भुजिया या कचौरियों के साथ जो आलू की भुजिया होती है, ये वो बना उसका बनाने का तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने आलू लिए हैं, ये आलू तकरीबन 1 किलो हैं। मैंने इनका सख्त छिलका ऊपर से सीधी छुरी खड़ी करके उतार लिया है और जो नरम छिलका है वो मैंने छोड़ दिया है। छिलका इसके ऊपर रखना ज़रूरी है, इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। मैंने तमाम आलू, ये दरमियानी साइज़ के आलू थे, मैंने इनको खड़ी छुरी के साथ ऊपर से छील लिया है और आधे इस तरह एक आलू को दो हिस्सों में तकसीम कर लिया है। ये मेरे पास मेरे आलू हैं। उसके बाद प्याज, इसके लिए एक मैंने दरमियानी साइज़ की प्याज ली है, 1 चम्मच अदरक लहसुन का मैंने लिया है और आधा चम्मच मैंने जीरे का लिया है। इसमें मैं कुछ दादरी मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी, इसका टेस्ट अपना आता है और एक खूबसूरत और बड़ा टेस्टी इफ़ेक्ट देता है ये जब हम अपना सालन तैयार करेंगे। सबसे पहले आपने नमक लेना है, मैंने नमक आधा चम्मच लिया है, आप अपनी जायके के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल किया है, मैंने 1 चम्मच सुर्ख मिर्च ली है, आप अपनी हसब जायका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने आधा चम्मच हल्दी का इस्तेमाल किया है, 1 चम्मच खुश्क पाउडर धनिया का, उसके बाद कलौंजी, ये मैं हसब जायका डालूंगी। ये यहाँ पे ज़्यादा पड़ी है, मैं इसमें से कुछ निकाल के बीच में डालूंगी क्योंकि हमने अचार इस्तेमाल करना है इसमें जायका देने के लिए। कि अचार रखा हुआ मैंने, ये अचार का नीचे का मसाला है जो बच जाता है, ये मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी क्योंकि इसमें भी कलौंजी है, इसलिए मैं ये वाली कलौंजी जो है इसमें से कुछ जो है इसकी मिकदार इस्तेमाल करूंगी, पूरी कलौंजी नहीं डालूंगी। अब आए देखें हम कि कैसे बनाएंगे इसे। ये मैंने आधा कप घी का डेगची में डाल के अब ये आलू बनाने के लिए ऊपर रखा है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं प्याज डालूंगी, फिर हम प्याज को थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना आपने, तो हल्का सा उसका रंग बदलेगा। तो हम इसके अंदर अदरक लहसुन डाल के फिर हम उसको भी इसके अंदर थोड़ा सा जैसे हल्का सा भुनाई करेंगे और फिर हम उसके अंदर दूसरे मसाला जात ऐड कर लेंगे। अब देखिए प्याज हल्के फुल्के जो है ये रंग बदलना शुरू हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन की पेस्ट का इजाफा करूंगी और ये बस 2-3 मिनट इसको मैं हल्का सा पका के इसके साथ ही मैं इसमें हल्का सा नमक और आलू ऐड कर दूंगी। देखिए मैं नमक मिला रही हूँ इसके अंदर, इसके प्याज जो है थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम जो मसाला बनाना चाह रहे हैं उनमें आसानी होगी। ये देखें अब ये प्याज जो है ये रंग बदल गए हैं और इसके अंदर थोड़ा सा अदरक लहसुन का जो पेस्ट डाला था वो भी भुन गया। अब हम मैं इसके अंदर आलू ऐड करूँ, देखिए मैं आलू डाल रही हूँ इसके अंदर। आलू के साथ ही मैं तमाम मसालों का इजाफा कर दूँगी। मैं आप ज़रा इसका कह रही हूँ ताकि ये प्याज बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए मसाला मैंने डाल दिया इसके अंदर, आलू के साथ लगा हुआ था जो हल्का सा। मैंने जैसा कि आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाते हुए बताया था कि आलू जो है वो आपने दरमियाने साइज़ के लेने हैं, अगर आप बड़े भी लेना चाहें तो बड़े भी ले सकते हैं, लेकिन आपने उनको ऐसे बड़े पीसेस में ही रखना है। मैंने उनके 2 पीसेस किए हैं एक आलू के,
अगर बड़े साइज के हैं तो आप बेशक तीन कर लें उसके, लेकिन ये बड़े साइज में ही रखने क्योंकि हम इसको बाद में अपने चम्मच के साथ, खाना पकाने वाले चम्मच के साथ इसको दबा के मसल के इसको एक ग्रेवी की सूरत में बना लेंगे और यही एक्चुअली इसका टेस्ट है। अब मैं इसके अंदर सारे मसाला जाते हैं यहीं पर डाल देती हूँ। ये देखें, ये मैं अब सूख मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और मैंने इसकी मिकदार आपको बताई थी पहले भी। अब ये हल्दी इसके अंदर डाल रही हूँ। इसके बाद मैंने इसके अंदर, ये मैंने आपको बताया था, मैंने कुटी हुई जो लाल मिर्च, दादड़ी हुई मिर्च थी कुटी हुई, और ये भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। ये देखें, जीरा ज़रा मैं जब हम पकने तक होगा तब मैं डालूंगी इसके अंदर। और ये सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। मैंने सूखा धनिया, खुश्क सूखा धनिया जो है पाउडर, वो भी मैंने लदा रखा है, और करंजी भी हम इसमें एंड में ऐड करेंगे। अब मैं इसको एक दफ़ा चम्मच ला के, अब मैं इसको आपको बताती हूँ, इसमें हल्का सा पानी डालेंगे। अब हम इसके अंदर एक गिलास फुल पानी डालेंगे। देखें, मैं इसको ला कर देखती हूँ, और आलू मुझे लगता है इसमें आधा ग्लास और पानी डालना चाहिए। अब आधा ग्लास और ऐड कर दे, ये मैं आधा ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। ये देखें, अब हम इसको कुछ देर के लिए दम पे रख देंगे। मैं कहूँगी 15 से 20 मिनट दम पे रखूँगी इसको, और उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या सूरत हाल है। ये मैं इसको दम पे रखने लगी हूँ 15 से 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद मैं अब ढक्कन खोलने लगी हूँ, अब देखते हैं कि ये गल गए हैं। एक आलू जो है ये बड़े वाला, ये इसको मैं प्रेस करके देखती हूँ, ये बिल्कुल गल गए हैं। मैं दूसरे वाला भी देख लूँ, हाँ जी ये बिल्कुल गले हुए हैं, और मुझे लग रहा है भुजिया बिल्कुल तैयार है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसके अंदर, अब ये मैं इसके अंदर ज़ीरा, अब मैं इसके अंदर कलौंजी, ज़ीरा और खुश्क जो धनिया पाउडर है वो डालने लगी हूँ। ये देखिए, ये मैंने डाल दिए। अब मैं इसी स्टेज पे मैं इसके अंदर अचार भी ऐड करूँगी। ये देखिए, मैं इसके अंदर अचार भी ला रही हूँ, क्योंकि अचार में कलौंजी होगी तो कलौंजी का टेस्ट वहाँ से भी आएगा। अब मैं इसके अंदर अचार ऐड करने लगी हूँ। ये देखिए, ये मसाला मैंने लिया है, ये मैंने डाल दिए, और ये मैं और ऐड करने लगी हूँ। अब मैं ज़रा सा वेट करूँगी, थोड़ा सा मैं और ऐड करती हूँ। अब मैं इसको हिला के इसको दम पे रखूँगी। 5 मिनट दम के बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि हम आलू कैसे मसलेंगे इसके अंदर, और भुजिया फिर कैसी शक्ल की बनेगी। अब मैं इसको दम पे लगाने लगी हूँ फिर 5 मिनट के लिए। ये देखने लगी हूँ, ये आलू की भुजिया जो है ये बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, इसको मैं चूल्हे से उतार के, और मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं आलू जो है ये इनको कैसे इसके अंदर मैश करूँगी। अब ये देखिए, इसके साथ ये आलू आप ऐसे मैश कर लेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखें, ये अब मैंने आलू इसके अंदर उबले हुए जो हमने, सॉरी उबले हुए नहीं, जो सालन में हमने आलू जिस तरह बॉईल किए थे इसके अंदर बड़े, अब ये देखें ये भुजिया तैयार हैं। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वैसी बनी है जैसे आप कचौरियों के साथ या हलवा पूड़ी के साथ खाते हैं बाज़ार में, बिल्कुल वैसी भुजिया बनी है। ये देखें, अब इसे मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये हमारी पूरियों के साथ जो आलू की भुजिया है ये बिल्कुल तैयार है। देखिए, मैंने पूरियों के चनों के साथ इसको डिस्प्ले किया है। आप ट्राई करें, मुझे बताएं कैसी लगी, कमेंट्स दें। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी वीडियोस शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फिर हाजिर खिदमत होंगे जल्दी। अल्लाह हाफिज़।